सेकंड मैच स्टार्टेड, 10 ओवर हो गए कमेंट्री के, हमारे स्टिंट हो गए खत्म। तो भाइयों, क्या भाई आप थोड़ा दिख रहे हैं, चेहरे का नूर। द बिग क्वेश्चन, मुंबई इंडियंस 6 मैचेस, क्वालिटी टीम, वाज इट द ऑप्शन? लास्ट सीजन भी क्वालिफाई नहीं हुए थे, मतलब वाज इट द ऑप्शन? वेरी सीजन, देयर इज मच मोर टू इट देन यू नो जस्ट द ऑप्शन। देयर हैव बीन क्वाइट अ फ्यू पॉजिटिव्स देयर फॉर ऑप्शन एज वेल। ड्रविस, इट्स अ गुड पॉजिटिव। अगर जोफ्रा आर्चर अगले साल आ जाते और अवेलेबल रहते 4-5 सीजन, वेरी गुड। अगर नहीं होते वो आगे की बात है। लेकिन लुक, जब आपके बड़े बैटर्स रोहित शर्मा, काइल पोलार्ड जिन्होंने बहुत मैचेस जिताई, वो अगर रन नहीं बना देगा तो बड़ा मुश्किल होगा। असली जो ऑप्शन की अगर आप बात करें तो हाँ, गेंदबाजी में जो स्पिन जो नहीं मिली, जो स्पिन विकेट टेकिंग एबिलिटी, वो एक बहुत बड़ा इशू था। बाकी इसके अलावा बल्लेबाज तो वही है, सूर्य कुमार यादव ने मैचेस जीता है, कायरन पोलार्ड ने मैच जीता है। आप अगर उनको रिटेन नहीं करते तो फिर लोग सवाल करते कि यार अच्छा कायरन पोलार्ड को रिटेन नहीं किया, ये क्या हो गया? सूर्य कुमार यादव रिटेन करना था, रोहित शर्मा रिटेन करना था, ईशान किशन के पीछे भागना था क्योंकि फ्यूचर को ध्यान रखना है। बहुत सारी बातें, सो बहुत सारी पॉजिटिव्स है, लेकिन सिंपल अच्छा नहीं खेले और कॉम्बिनेशन थोड़ा बेहतर कर सकते थे। बट जस्ट प्योरली द ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जो बात दिख रही है, एडी वॉल्ड, ब्रेविस, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार ने तो बोला भी दैट यू नो दिस इज अ प्रोजेक्ट और 2-3 सालों में फॉर श्योर टाइटल कंटेंडर। लेकिन बोलिंग इट्स नॉट रियली आल्सो बीन द बैटिंग, क्योंकि दो बड़ी चीज में पास पहुंच गए। लेकिन क्या बात ये थी, जो आपने 8 करोड़ बचाए थे जोफ्रा आर्चर के लिए, जो प्लेयर नंबर 190 थे, तो उस 190 की पूरी लिस्ट के बीच में ईशान आप चाहते थे, विच इज वाई यू डिडंट गो फॉर क्विंटन। ट्रेंट बोल्ट को क्या बहुत मिस किया, और आप क्योंकि आर्चर चाहते थे यू हैव टू जस्ट वेट 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 वेट, और वहां पे क्या काफी प्लेयर्स निकल गए उस स्ट्रेटजी के पॉइंट्स? नहीं, ऑप्शन में आपने सही बोला, प्लेयर्स देखिए, रोहित शर्मा रियलाइज कर रहे हैं इस टाइम पे कि कप्तान अच्छे हैं पर खिलाड़ी भी चाहिए, खिलाड़ी को दबाव में खेलना आना भी चाहिए। तो जो कप्तानी करिए, 5 ट्रॉफी जीता है, उनके पास प्लेयर्स थे। आप देखिए ना, बोर्ड की बात करते हैं आप मलिंगा की बात करते हैं, आप ऐसे प्लेयर्स की बात करते हैं जो डिलीवर करते हैं। अभी ऑक्शन में नई टीम बनाई और कोई ऐसे प्लेयर दिखे नहीं। हाँ, मतलब हम भी हो सकते हैं यार, प्लेयर का काम है परफॉर्म करना, पर प्लेयर नहीं थे। आप देखिए थम्पी है या मुर्गन अश्विन, ऐसे आईपीएल के स्टार नहीं है। अभी वो भी किसी टीम में थे तो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से अभी 2 मैच जो हारे हैं मुंबई इंडियंस बॉलिंग से, आज भी 200 बनाने थे। 200 बड़ा टारगेट होता है, हम इसलिए बोल रहे पोलार्ड और रोहित शर्मा हम कहते हैं चेज होगा, पर 200 बहुत बड़ा स्कोर होता है। और पिछले मैच पंजाब के खिलाफ भी ऑलमोस्ट 200 चेज करने थे वहां भी। जो आप कम बैक करना चाहते हैं तो बॉलिंग से बहुत निराश होंगे, ना कि बल्लेबाजी से। गेम बात कर रहे थे हम लोग जब ऑप्शन में हुआ भी था, तब यही बात कर रहे थे कि अगर सबसे कमजोर किसी की स्पिन यूनिट है तो मुंबई इंडियंस की है। क्विंटन, अगर चॉइस होती, क्विंटन, ट्रेंट बोल्ट, हार्दिक पांड्या और राहुल चहर, इनमें से किसी एक को टीम में रखने की, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज हु वुड, इनमें से कौन से 4 प्लेयर्स को, इफ यू वर एट द ऑक्शन, आप जाने नहीं देंगे? ट्रेंट बोल्ट। बहुत लोड आ गया, अच्छे बॉलर है, सब कहना आसान है कि यार मारो विकेट, पर दबाव भी फील करते हैं। ये हाई प्रेशर टूर्नामेंट है, अगर एक मैच खराब जाता है तो फील करते हो प्रेशर। मेरे ख्याल से ट्रेंट बोल्ट को बहुत मिस करते हैं। आप बताएं क्या भाई, ये तो मुंबई की बात हुई, क्वालिटी टीम और ये ट्रांजिशन फेज से बहुत टीम गुजरती है। सर, ऑक्शन में जब बैठते हैं और जब प्लान आपके, बिकॉज यू बीन देयर, जब आपके प्लान्स, आपको जो प्लेयर चाहिए वो नहीं मिल रहे होते, कितना प्रेशर होता है, कितनी आपस में बात होती है कि वो वाट लग गई, ये नहीं मिला, होता है प्रेशर, प्लान होता है आपका। अगर ये प्लेयर नहीं मिला तो उसके पीछे जाएंगे, ये नहीं मिला तो उसके पीछे जाएंगे, इतना आपका बजट भी होता है कि उसके ऊपर इतना स्पेंड करेंगे, प्लान होता है पूरा। पर कई बार ऐसा होता है कि आपने अगर 2 गेंदबाज ले लिए और बैकअप प्लान होता है, मान लो फॉरन पास बॉलर लिया आपने, तो उसका बैकअप प्लान क्या, वो सस्ता लेते हैं, एक भी बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, दूसरा थोड़ा सा सस्ता लेते हैं कि आपका बजट का भी इशू होता है। पर कई चीजें ऑक्शन में चेंज भी होती है। मुंबई की बात करें, मुंबई तो मुझे लगा, मतलब मैं भी उस ऑक्शन को देख के हैरान था, जिस तरह से आकाश अंबानी में बैठे हुए थे, इतना 7-8 घंटे के बाद पहली बिट करी, ईशान को लिया था, वो बड़ा अमाउंट दिया काफी, पर ऐसे रिलैक्स को इतना बैठता नहीं सब लोग का, सब लोग हलचल होती है कि यार जब प्लेयर निकले जा रहे हैं हमारे पास पूरी टीम पूरी नहीं हो रही थी, दबाव तो होता है। पर फिर उनकी वही आर्चर की स्ट्रेटजी, रियलिस्टिक अपनी एक्सपेक्टेशन में कि आर्चर अगले साल आएंगे, यू अगेन कम्पीट फॉर द टाइटल, बट इज देयर अ लिटिल वरी ये कि आर्चर अगले साल, इतनी चोट की हिस्ट्री रही है, डज ही कम द सेम बोलर दैट जोफ्रा आर्चर इज? देखिए, वो अगर अवेलेबल होंगे और फिट होंगे खेलने के लिए, तो ऑब्वियसली उनकी एबिलिटी, अगर वो अपनी 70% की एबिलिटी में खेलते हैं और सामने कॉम्बिनेशन आपका जो बुमराह के साथ है, तो बहुत जबरदस्त है। पर अवेलेबल होंगे तो सब उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि शेड्यूल भी होता है,
कई बार हमने देखा था इस बार ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि भाई आप आएंगे पर 6 तारीख से पहले तक आप खेल नहीं सकते, तो ऐसा कुछ अगर इंग्लैंड बोर्ड ने कर दिया क्या करेंगे? वो कुलदीप ले गया जी ग्लेन मैक्सवेल को, कुलदीप बड़ा सीजन, ये दरवाजा कौन खोल देता है यार? मेरी चाय, आपकी चाय, चाय आ रही है, घर चाय आ रही है, चलो भाई।